नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति के बारे में कुछ बातें। आखिरकार बिहार सरकार ने भी फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू कर दी, उसे मंजूरी मिल गई है। अब वह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, फिल्म प्रेमियों के लिए, बिहार में फिल्म के निर्माण में रुचि रखने वालों के लिए उपलब्ध है। पिछले कई सालों से, लगभग एक दशक से ज़्यादा हो गया, तब से इस पर काम चल रहा था या प्रक्रिया चल रही थी। बार बार ऐसा लगता था कि फिल्म पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन किसी न किसी वजह से यह अटक जाती थी। आखिरकार बिहार सरकार ने सुधी ली और अब यह प्रोत्साहन नीति नाम दिया गया है, फिल्म प्रोत्साहन नीति वह स्वीकार कर ली गई है। इसमें लगभग वही सारी सुविधाएं हैं जो दूसरे राज्यों में दी जा रही हैं, मतलब सब्सिडी दी जाएगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, रहने शूटिंग करने की सुविधाएं मिलेंगी, रियायत मिलेगी, सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। जिन फिल्मों के 75% शूटिंग बिहार में हुई है उनको धन दिया जाएगा, साथ ही बिहार के प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाएगा, उनके लिए धन मुहैया किया जाएगा कि वे बिहार की भाषाओं में, जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका में काम कर सकें। यह अपने आप में बहुत ही सुखद बात है और एक उम्मीद बनती है कि आखिरकार बिहार में भी अब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो अभी तक झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहले से उपलब्ध रही हैं। मध्य प्रदेश में तो इधर लगातार शूटिंग चल रही है हिंदी फिल्मों की। बिहार को लेकर कई समस्याएं रही हैं, फिल्म निर्माताओं की कई दुविधाएं भी रही हैं। एक तो यह माना जाता है कि बिहार बहुत ही आपराधिक राज्य है, वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं, सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए भी फिल्म मेकर जो बिहार की पृष्ठभूमि पर भी फिल्म बना रहे होते हैं वे बिहार में जाकर शूट नहीं करते, मुंबई के पास में स्थित वाई में जाकर वे बिहार बना लेते हैं। प्रकाश झा ने भोपाल में जाकर बिहार बनाया, उसके बाद से तो लगातार मध्य प्रदेश में शूटिंग चलती रही है बिहार की कहानियों को लेकर। अब देखना यह है कि पॉलिसी तो आ गई है, फिल्म प्रोत्साहन नीति तो आ गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। मैंने बहुत पहले लिखा भी है इस बात पर और इसका जिक्र भी मैंने किया है कि होता यह है कि जब भी ऐसी कोई पॉलिसी आती है तो जो नामवर लोग होते हैं इंडस्ट्री के, जो मातवर लोग होते हैं, जो थोड़े लोकप्रिय और प्रसिद्ध होते हैं, वे इन सुविधाओं का फ़ायदा तत्काल उठा लेते हैं। सरकारों को लगता है कि ये बड़े नाम हैं, ये आएंगे तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और एक क्रम बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने झारखंड में भी देखा, हमने उत्तराखंड में भी देखा, हमने दूसरे राज्यों में भी देखा कि ये लोग फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। उनकी फिल्मों के लिए, जिनकी फिल्मों के बजट 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़ है, उनके लिए 3 करोड़, 4 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरा ही होता है यह, लेकिन वे इस 4 करोड़ के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। बिहार सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि वह बिहार के प्रतिभाओं के लिए सुनिश्चित करे, उन्हें मौका दे, स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उन्हें अपनी कहानियाँ कहने का मौका मिलेगा और उससे एक नए किस्म का संस्कार, हिंदी फिल्मों का संस्कार, फिल्मों का संस्कार बिहार में पैदा होगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, ये सब तो आनुषंगिक बातें हैं, ये तो होगा ही होगा। अगर उद्योग विकसित होगा, अगर फिल्मों की शूटिंग होगी तो यह सब जरूरी तौर पर होगा। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह सब लागू हो। बस बिहार सरकार को और
यहाँ रुचि रखने वाले व्यक्तियों को देखना पड़ेगा, अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन कैसे होता है। असल समस्या वहीं पैदा होती है कि अगर अधिकारीगण नौकरशाही के चक्कर में फंसा कर इसको जहाँ का तहाँ ही रहने दें, ठस कर दें, तो सारी योजनाएं, सारी नीतियां बेकार साबित होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार में ऐसा नहीं हो। बिहार में ऐसा होगा तो बहुत ही दुखद बात होगी, क्योंकि लंबे अरसे के बाद फिल्म प्रोत्साहन नीति आई है। अब सचमुच बिहार में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन मिले, बिहार में फिल्म उद्योग के प्रसार को प्रोत्साहन मिले, बिहार की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले, बिहार की नई कहानियाँ आएँ, बिहार नए सिरे से फिल्मों के परिदृश्य में उभर कर सामने आए, यही कामना रहेगी। हालांकि कई सारे फिल्मकारों से मेरी बात हुई जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसी बात की चिंता जाहिर की कि आखिर क्रियान्वयन कैसे होगा, वहाँ पर कौन लोग हैं जो मंजूरी देंगे, कौन लोग हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, कौन लोग जो हैं प्रतिभाओं का चयन करेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को जोड़ना चाहिए, बिहार के प्रतिभाओं को मौका देना चाहिए, बिहार के प्रतिभाओं को आमंत्रित करना चाहिए बल्कि, और एक टूर भी हो, मुख्यमंत्री और तमाम संबंधित विभाग के अधिकारियों से उनकी मुलाकातें हों, बातें हों, वे लोग भी समझें और जानकार फिल्मकारों से, कलाकारों से, टेक्नीशियन से, पत्रकारों से भी मिलें, बातें करें और सही तरीका अपनाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।